अगर हमारा हमको ही फूंक देने से और उनके समस्याओं का समाधान हो जाता, उनको पूरा नौकरी मिल जाती, तो हम बोलते कि हम ही को ले चलो यार साथ है। तुम्हारे थी पर जो ले गया ना उठा करके पुतला सूझ जाते, हम ही बोले ले चलो। हमको संपर्क करना चाहिए था उन लोगों को ना कि चलिए विधायक जी आपका पुतला फू, तो हम बोलते कि हमको ले चलो, ले नहीं गया। अरे आपका जो आरोप लगा रहे लोग, जब सरकार जब इसको पारित कर रही थी तो आप लोग बीजेपी के विधायक जो काम करते विपक्ष के हैं वो चुप किस आ रहे हैं, मतलब मौन सहमति एक तरह। देखिए हम तो अभी भी मौन है, हम तो अभी भी मौन है। ये है सब अच्छे लोग, कितना लोग को नौकरी मिल रहा है ये हम भी देखते हैं ना। सरकार तो जानबूझ करके विवाद करा रही है। आप लिख लीजिए 5 लाख नौकरी देने का वादा किए थे ना एक साल में, ये सब नौकरी उकरी तो देंगे नहीं। जितना नौकरी मिलने वाला था वो सब भी कोर्ट के में चला गया, विवाद में चला गया। न विकास करना है, न नौकरी देना है, न रोजगार देना है, तो इसीलिए अपना मुद्दा खड़ा कर दिया। लड़ते रहो भावनात्मक भावनात्मक मुद्दा उठा करके और लोग उस पर पीछते रहे भाई। अच्छा आज तक 2000 में बंटवारा हुआ, आज तक था क्या यहाँ पर ये सब विवाद कभी था? अब ये कहे विवाद ही पैदा हो गया, किसको नौकरी नहीं मिला? अगर जहां पर रोजगार की बात थी, नौकरी की बात थी, तो यहां आकर के मैंने कौन नौकरी कर रहा है भाई? इसलिए हम तो भाइयों से कहेंगे जो लोग हमारा पुतला दहन कर रहे हैं, अरे हम तो वो शख्स हैं, कहीं कोई कोयलांचल विश्वविद्यालय में दूसरा नाम नहीं था, हमने विनोद बिहारी महतो का नाम जुड़वाया है। आए ना कोई बोले ना, विनोद बाबू के नाम को कौन जुड़वाया? किसको चिंता थी? सरकार में भी रहे लोग, कोयलांचल विश्वविद्यालय अगर हम नहीं आवाज उठाते तो कोयलांचल विश्वविद्यालय बनता, किसी को चिंता नहीं थी, कोई बदलता भी नहीं, बाद में सरकार बदलता नाम। लेकिन हमने, हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता दूसरे पार्टी से है, लेकिन विनोद बाबू के नाम को जुड़वाया, तो थैंकलेस आदमी सब है ना भाई। ये लोग क्या बोले हम, इसलिए बोले कि चलो हम हमारा ही पुतला जला दो, अगर हमारा ही हम ही को जला देने से अगर तुमको नौकरी मिल जाता है तो हम कुर्बान कर देंगे अपने को, लेकिन तू 5 लाख नौकरियां तो मिल जाए।